सोलन में टमाटर, फ्रांस बीन और शिमला मिर्च की नकदी फसलें होती हैं। विकास खंड सोलन के सभी किसान अब इन नकदी फसलों की तैयारियां कर रहे हैं। किसानों द्वारा इन फसलों की पोत तैयार की जा चुकी है, लेकिन अब मौसम लगातार करवट ले रहा है। बारिश हो रही है और पाला भी पड़ रहा है। ऐसे मौसम में किसानों द्वारा पौध को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत अच्छे पौधों पर ही निर्भर करती है। अगर वे अच्छी फसल चाहते हैं तो उन्हें अच्छी पौध तैयार करनी पड़ेगी। सोलन में टमाटर, फ्रांस बीन और शिमला मिर्च की नकदी फसलें होती हैं। विकास खंड सोलन के सभी किसान अब इन नकदी फसलों की तैयारियां कर रहे हैं। किसानों द्वारा इन फसलों की पोत तैयार की जा चुकी है, लेकिन अब मौसम लगातार करवट ले रहा है। बारिश हो रही है और पाला भी पड़ रहा है। ऐसे मौसम में किसानों द्वारा पोत को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत अच्छे पौधों पर ही निर्भर करती है। अगर वे अच्छी फसल चाहते हैं तो उन्हें अच्छी पौध तैयार करनी पड़ेगी। अधिक जानकारी देते हुए हीरालाल आजाद विषयवाद विशेषज्ञ कृषि विकास खंड सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन टमाटर, शिमला मिर्च और फ्रांस बीन की नकदी फसलों के लिए जाना जाता है। इन फसलों की आजकल पौध तैयार की जा रही है, लेकिन बदलते मौसम के चलते पाला पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसानों की ये पौध खराब हो सकती है, जिसका असर आने वाली फसल पर पड़ सकता है। इसलिए पौध को बचाने के लिए किसानों को एहतियातन ढक कर रखना चाहिए, तभी पौध को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आजकल जो बारिश हो रही है वे फसलों के लिए बेहद लाभप्रद है, जिसकी वजह से किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है। कि आजकल जो जैसे हमारा जो विकासखंड सोलन है, कैश क्रॉप के लिए हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से शिमला मिर्च, टमाटर, बीन्स ये फसलें जो है वो किसान लोग लगाते हैं, और आजकल ये पनेरी अवस्था में है। किसानों ने इसकी पौध डाल रखी है और मार्च के पहले सप्ताह के बाद इसकी रोपाई लगभग सभी क्षेत्रों में हमारे विकासखंड में शुरू हो जाएगी। आजकल किसानों को यही है, क्योंकि रात को पाला पड़ रहा है तो जो पौध लगी है उसको थोड़ा ढक कर रखें, ताकि पाले से उसको नुकसान ना हो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि टमाटर, शिमला मिर्च का बीज बहुत महंगा होता है और इसको किसान बड़ी मेहनत से लगाता है, तो इसको बचाने के लिए थोड़ा इसको रात को पाले से बचाएं। बाकी जो गेहूं की फसल है उसके लिए जो अभी पीछे रिसेंट जो बारिश हुई है उसने फ़ायदा किया है, क्रॉप ग्रोथ अच्छी है, बाकी ज़्यादातर फसलों को कोई नुकसान नहीं है। एक जो मैकेनाइजेशन का है, जो मशीनीकरण का जो विभाग द्वारा कार्य चलाया जा रहा है, उसमें पावर वीडर जो है किसानों को, जिसको किसान अपनी भाषा में छोटा ट्रैक्टर कहते हैं, उस पर हम 25,000 अनुदान दे रहे हैं। और हमारे पास अभी कुछ बजट का प्रावधान सरकार द्वारा हुआ है, उसके केसेस हम भेज रहे हैं और कुछ स्वीकृत भी हो गए, और उस पर 25,000 का अनुदान जो है किसानों को दे रहे हैं। घास काटने के मशीन पर 10,000 का अनुदान दे रहे हैं, वो केसेस भी हम भेज रहे हैं और किसानों को ये सुविधा जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।